और जब हम मेन स्ट्रीम मीडिया की बात करते हैं तो एंटरटेनमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट बिकॉज दैट इज़ ऑल मीडिया इज़ अबाउट इट इज़ एंटरटेनिंग आजकल तो हमारी खबरें भी एंटरटेनिंग हो गई हैं अगर आप देखें तो अक्सर लोग घंटों घंटों न्यूज़ चैनल रह कर बैठे हुए होते हैं बिकॉज देर गेटिंग एंटरटेनड यानी कि रियल लाइफ एंटरटेनमेंट मिल रही होती है हमारे यहाँ इसका तो पूरा एक जॉनर बन गया है जहाँ पे आप रियलिटी टीवी जिसको कहते हैं Constantly, people are just following people, doing what they do regularly in life, and being entertained by it. So, there are a lot of jobs for this, there's a lot of writing opportunity and entertainment. or entertain. So, if we look at the definition of it, entertainment is defined as the action or performance made to amuse or give.

हमने जो बातें फ़िक्शन की की हमने जो बातें इमेजिनेशन की की खुशी की की वो सारी बातें यहाँ पर हमें ला के रखनी है बट अगेन वी हैव टू बी वेरी श्योर दैट वी आर कॉन्शियस ऑफ द फैक्ट दैट वी आर राइटिंग फॉर द मीडिया यानी कि आपके मीडिया के लिखने के जो असूल हैं वो यहाँ पर अप्लाई होंगे मूविंग ऑन हमारे किस किस्म के एंटरटेनमेंट स्क्रिप्ट की रिक्वायरमेंट होती है एक ड्रामा होता है ऑफकोर्स जो आप टी वी पर भी देखते हैं um, अब तो ऑनलाइन ड्रामे भी बड़े बनते हैं मगर ये एक सीरीज़ होती है यानी कि एक किस्त होती है जिसके मतलब कई किस्तें होती हैं वो तेरह किस्तों छब्बीस किस्तों अब तो सौ सौ किस्तों पे जो है वो ड्रामे चल रहे होते हैं एक ज़माने में आपको पता होगा कि टर्किश ड्रामे जो उर्दू में डब डब हो रहे थे वो बड़े पॉपुलर हो गए थे तो इट्स अ ग्लोबल स्क्रिप्ट दैट यू कैन राइट ज़रूरी नहीं है कि अगर आप उर्दू में लिख रहे हैं या अंग्रेज़ी में लिख रहे हैं वो सिर्फ़ उन ऑडियंसिस के हों वो आगे जाके डब भी हो जाते हैं तो बल्कि दैट इज़ अनदर इधर से ही बात अगर हम लेकर चलें कि दैट इज़ अनदर फॉर्म ऑफ जॉब्स दैट यू कैन डू दैट इज़ ट्रांसलेटिंग ड्रामा स्क्रिप्ट इज़ बिकमिंग अ न्यू फॉर्म ऑफ़ फ्री लांस जॉब्स दैट यू कैन डू एंड यू शुड लुक इन टू इट इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन स्क्रिप्ट राइटिंग द अदर वन इज़ कॉमेडी शोज आपने देख खास तौर पर सुबह के वक्त या रात को uh, आपके पास मजाकरात है और इस तरह के और जो प्रोग्राम्स हैं इनके भी स्क्रिप्ट्स लिखने होते हैं ये सारे मेन स्ट्रीम होते हैं आपके पास रेडियो के बड़े मजाया प्रोग्राम्स होते हैं ये जो आर होते हैं हमें लगता है जैसे बोलते चले जा रहे हैं मगर इनके पास भी एक थोड़ी सी आउटलाइन होती है जो बात करते हैं कि हंसाने के लिए कॉमेडी लिखते हैं तो वो उसकी भी आ, एक टाइप है आपके म्यूज़िक शो के स्क्रिप्ट होते हैं कि जो आर खड़ा है या वी खड़ा हुआ है वो म्यूज़िक को कैसे डिस्क्राइब करेगा तो म्यूज़िक है क्या वो गाना क्या है वो लोग क्या हैं इसमें वो सुनेंगे क्या क्या फ़ील करेंगे ये सारी चीज़ें उस स्क्रिप्ट के अंदर आती हैं व्यूज़ इन रिव्यूज़ ये एक बड़े मज़े की फॉर्म है जो आज कल मेन स्ट्रीम में आ रही है आपने देखा होगा मैगज़ीन शोज़ होते हैं या टॉक शोज़ में होस्ट बैठे होते हैं और वो रिव्यू दे रहे होते हैं कि जी हमने वो फ़िल्म देखी थी वो ऐसी थी उसमें ये ये चीज़ें थी और ये बड़ी एक मज़े की फॉर्म है जहाँ पर आप अपना एक क्रिटिक दे रहे होते हैं और कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म होना चाहिए क्रिटिसिज्म फॉर द सेक ऑफ़ क्रिटिसिज्म नहीं होना चाहिए इसी तरह हम रिव्यूज़ देते हैं इससे क्या होता है इससे होता ये कि जो देख रहा है या सुन रहा है वो आपकी बात सुन के ये सु... फैसला कर सकता है क्या उसने वो फ़िल्म देखनी है क्या उसने वो खाना खाना है क्या उसने वहाँ उस जगह पे जाना है सो दीज आर द काइंड ऑफ राइटिंग्स दैट मीन स्ट्रीम ऑल्सो डज वन वेरी बिग फॉम देट इज़ रियली टेकिंग द मैथ मीडिया बाई स्टॉम इंटरनेशनली नॉट एज मच इन पाकिस्तान राइट नाउ बट इंटरनेशनली हम ये देखते हैं वो है वीडियो गेम जर्नलिज्म अब वीडियो गेम जर्नलिज्म क्या है कोई कहे कि भाई वीडियो गेम है खेल रहे हैं इसमें ऐसी क्या बात है वीडियो गेम जर्नलिज्म होता है जहाँ पे आप वीडियो गेम की पूरे रिव्यूज़ करते हैं और साथ साथ जो खेल रहा होता है उसके बारे में बता रहे होते हैं कि अब ये होगा वो होगा चीटिंग होगी नहीं होगी आगे जाके कैसे करना है इस गेम को खेलना कैसे है? सो बहुत सारी चीज़ें इसमें एंटरटेनिंग आ जाती हैं आप उसके उसके कॉमेडी वर्जनस निकाल सकते हैं आप उसके डबिंग कर सकते हैं बहुत सारी ऐसी चीज़ें और ये पूरा एक जॉनर बनता चला जा रहा है और अगर आप एक वीडियो गेम इंथूजियास्ट हैं तो आप एक वीडियो गेम जर्नलिस्ट भी बन सकते हैं एंड दैट इज़ एन अपॉर्चुनिटी दैट यू कैन हैव फिर हैं जी कॉलम राइटर्स आपने देखा होगा बड़े उर्दू में भी होता है इंग्लिश में बहुत बहुत होता है जहाँ पर आपके कोई मसाइल हैं और वो मसाइल हल करने के लिए लोग कॉलम्स लिखते हैं वेट लॉस कैसे किया जाए Um, आपकी ये मुसीबत है इसको कैसे हल किया जाए मुझे uh, जो स्किन के इश्यूज़ हैं बहुत सारे इस तरह के कॉलम्स हैं जो लोग लिखते हैं या वैसे ही अपनी कोई सोच होती है उसके बारे में कॉलम्स लिखते हैं तो आपको एंटरटेन कर रहे होते हैं कोई उनके साथ किस्सा कहानी हुई होती कोई चीज़ उन्होंने देखी होती है मज़े की तो वो बताते हैं लेटर टू द एडिटर्स होते हैं ऑपरड्स होते हैं बहुत सारे जो कि एक्चुअली ट्रेडिशनली न्यूज़ व्हीकल्स हैं मगर एक एंटरटेनमेंट तरीके से भी हम उसकी राइटिंग कर सकते हैं फ़ैशन जर्नलिज्म इज़ अगेन पाकिस्तान में फ़ैशन एक नई इंडस्ट्री है मगर इसकी बहुत सारी राइटिंग अपॉर्चुनिटीज़ हैं मैगज़ीन्स के लिए भी अखबारों में भी आपने देखा होगा कि द न्यूज़ का स्टेप है वो पूरे पूरे डेडिकेटेड सेक्शंस हैं फैशन और कल्चर के ऊपर अब हम बात कर रहे हैं कल्चर आर्ट एंड थिएटर की तो इसके भी रिव्यूज़ होते हैं विच यू कैन राइट अगर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं डॉक्टर प्रूस बैनर बिकम्स अ मैमथ

रिसर्च अंडरस्टैंड यानी कि हम पहले कुछ और पढ़ेंगे पूरा उसको अपने दिमाग में सोचेंगे उसके ऊपर रिसर्च करेंगे उसको अच्छी तरह समझेंगे फिर उसकी जो इंटरटेनमेंट वैल्यू है वो हम निकालेंगे साथ साथ नोट्स लेंगे जो कोटेशंस हम देना चाहते हैं वो देंगे आउटलाइन सारी जो एंटरटेनिंग एलिमेंट्स हैं उनको हम आउटलाइन कर देंगे और लैंग्वेज और इमेजरी हम ऐसे इस्तेमाल करेंगे जो कि बहुत ज़्यादा इंटरटेनिंग हो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम ये कहना चाहते हैं कि सुबह सुबह उठ के आ, किसी ने शरबत पिया अब इसमें क्या इंटरटेनमेंट वैल्यू हो सकती है उसमें एंटरटेनमेंट वैल्यू भी हो सकती है कि जब वो सुबह उठता है इंसान तो उसकी शक्ल कैसी होती है किस हालत में होता है और शरबत उसको मिलता है नहीं मिलता है तो एक पूरी एक एंटरटेनमेंट वैल्यू जो है इस, इस सिर्फ छोटे से किस्से में से निकल सकती है सो व्हेन यू आर राइटिंग फॉर एंटरटेनमेंट यू हैव टू एंटरटेन पीपल एंड दैट्स द की टेक अवे from this session.